आज हम लोग इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरोकिस्टेनोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइलोरोकिस्टेनोसिस क्या होता है, जो कहीं ना कहीं जो एब्डोमिनल होता है, कहीं ना कहीं आपका जो एब्डोमिनल कैसा होता है, जे शेप। तो जो कहीं ना कहीं आपका ईसोफेगस से क्या होता है, ये कुछ इस तरह से क्या होता है, आपका एब्डोमिनल होता है। तो ये कहाँ पर क्या, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्या, पाइलोरिक पोर्शन। कौन सा पोर्शन होता है, ये पाइलोरिक पोर्शन होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, एक नैरोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नैरोइंग हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये वाला एरिया क्या होगा, बहुत ज़्यादा नैरोइंग होगा, जिससे कि जो भी फूड कंटेंट आगे के लिए मूव नहीं करेगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी पाइलोरिक रीजन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिससे कि फूड है जो आगे के लिए मूव नहीं करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए मूव नहीं करता है, और कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग या वेट ऑफ लॉस देखने को मिल सकता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये था इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एटियोलॉजी, कि क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के। तो जो पाइलोरिक स्टेनोसिस के जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या है, अननोन है। जो एग्जैक्ट कॉज क्या है उसका, अननोन है। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता कि क्या होता है, किसकी वजह से हो सकता है, अभी तक नहीं मालूम। नेक्स्ट अगर अदर फैक्टर, अदर देखें कॉजेज, तो क्या हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजरी हुआ हो, या कोई ना कोई वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया, या कहीं ना कहीं उसमें कैंसरस सेल्स ग्रोथ हो रही हैं, या प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, या मसल्स के अंदर जो मूवमेंट है, जो कॉन्स्ट्रक्शन है, रिलैक्सेशन, वो प्रॉपरली नहीं हो रहा, उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिल सकता है। या वहाँ पे कहीं ना कहीं टिश्यूज क्या होता है, एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है, उस कंडीशन में हमें स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है, बट एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका, अननोन है। तो ये थे कुछ इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसकी वजह से हमें कैलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है इन पीडियाट्रिक्स या बच्चों में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंसिडेंस। तो अगर इसका इंसिडेंस देखें, तो कहीं ना कहीं अगर ये कंपेयर किया जाए मेल और फीमेल के, तो मोस्टली हमें फीमेल के कंपेयर मेल में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है क्या, पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो किस में देखने को ज़्यादा मिलेगा, मेल्स बॉबी, जो मेल बेबी हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को ये मिलता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा। तो फर्स्टली क्या होगा, जैसे ही जो यहाँ पे पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा, सबसे पहले क्या होगा इसका, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो जहाँ पे जो मसल्स है, इसके जो सराउंडिंग मसल है, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैसे हार्ड हो जाएगी। ड्यूटीलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, जो मसल्स है वो क्या होगी, हार्ड हो जाएगी। हार्ड कहीं ना कहीं, सॉरी, मसल्स क्या, ड्यूटीलॉजिकल फैक्टर की वजह से वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी, उसकी वजह से वहाँ की जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट, या उसमें प्रॉपरली कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगी, नैरोइंग देखने को मिल सकती है। क्या होगी, नैरोइंग देखने को मिलेगी, और देन वहाँ पर क्या होगा, हमें स्टेनोसिस कॉज हो जाएगा। तो मतलब ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड की प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी, ड्यूटी टोलॉजिकल, फिर उसका लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, देन ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ के टिश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, हार्ड हो जाएंगे। देन हार्ड होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एक नैरोइंग फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, एक नैरोइंग फॉर्म होगा। देन नैरोइंग फॉर्म होने के वहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है इसका, पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इस तरह से जी हमें क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस धीमे धीमे ग्रोथ करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या यहाँ पे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्टली क्या होगा, कि वो जो हम कुछ भी फूड इनटेक करेगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, तुरंत में क्या होगा, हमें वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये हुआ बॉडी का वेट लॉस होने लगता है, देन लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना, जो एपेटाइट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब भूख बहुत कम लगने लगेगी। देन आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिलेगा। क्या होगा नेक्स्ट, डिस्कम्फर्ट फील होगा, लेजी टाइप का फील होगा, लेथार्जी, ठीक। नेक्स्ट एंग्जाइटी टाइप का फील होगा। तो ये सारे क्या है, कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि हम इस पेशेंट को हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इजिली पेशेंट की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। तो फुली हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जिसमें हम क्या करें, पाल्पेट करके, सॉरी, हिस्ट्री में उसका पूरा
फिजिकली पूरा हिस्ट्री कलेक्शन है जिसमें उसका पूरा हिस्ट्री देखें कि कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें तो यूज़ नहीं करा जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या कहीं ना कहीं बच्चे में जो ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फीटल डेवलपमेंट के टाइप में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करें, देन हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जाम हम क्या करें, पालपिटेशन करके हम क्या कर सकते हैं, टेंडरनेस टाइप का फॉर्म तो नहीं है, उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको पता लगा सकते हैं। देन हम क्या कर सकेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। देन हम जो भी अगर वो वॉमिटिंग करता है उसको टेस्ट कर, वो उसका एग्जामिनेशन करना है कि वो वॉमिटिंग किस टाइप का है, वॉमिटिंग एग्जामिनेशन करना है कि उसमें किस टाइप के कंटेंट हमें देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं ब्लड तो नहीं है या उसके अंदर जो भी फ्लूड है किस टाइप का है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, नीड होने पर उसका यूरिन एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, देन स्टूल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, यस एक्सरे कर सकते हैं जिससे हम पेशेंट की कंडीशन को अच्छे से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट USG अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं जिसकी हेल्प से कंडीशन को और अच्छे से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट नीड होने पर एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी की हेल्प से हम बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन पता लगा सकते हैं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिनकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में इजिली पता लगा सकते हैं और उसको एक प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देन हम देखते हैं क्या उसका मैनेजमेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे उसका मैनेजमेंट कि हम उसको क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, मतलब किस तरह से पेशेंट की कंडीशन को ट्रीट करेंगे। तो उसके हम फर्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, उसको फर्स्टली हमें क्या करना है, कंटिन्यूस फ्लूड देना है उसको, IV फ्लूड एडमिनिस्ट्रेट करना है। देन उसको जो भी फ्लूड जो भी डाइट देना है वो हमें कैसे देना है, लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में देना, जिससे कि ईजिली वो क्या कर सके, आगे के लिए मूव हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरोइंग है तो हम जो भी हम सॉलिड फॉर्म में देते हैं वो कहीं ना कहीं आगे के लिए मूव नहीं होगा। तो हमें क्या देना है, लिक्विड की डाइट देना जिससे कि ईजिली वो क्या कर सके, अच्छे से आगे के लिए मूव हो सके। देन अगर नीड होने पर उसको हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वोमिट हो रहा है तो एंटीमेटिक्स दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम उसे एनीमा वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उसके कॉन्स्टिपेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एसिडिक फॉर्म हो रहा है तो एंटा एसिड दे सकते हैं जिससे एसिडिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अगर एंग्जाइटी हो रहा है तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे सकते हैं जिससे एंग्जाइटी को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू टाइप्स की सर्जरी करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका फेडरल रेमस्टेट्स ऑपरेशन। तो फेडरल रेमस्टेट्स ऑपरेशन करेंगे। रेमस्टेट ऑपरेशन में क्या होगा, जो भी है पाइलोरिक एरिया है उसको क्या करेंगे, उसे कट करते हैं, कट करके उसकी ओपनिंग करके, ओपनिंग करके जो भी आपका जो हार्ड टिश्यू फॉर्म हो रहा है वहाँ पर उसको क्या कट करके वहाँ से रिमूव कर देते, मतलब कहीं ना कहीं जो स्टेनोसिस फॉर्म हो रहा है स्टेनोसिस उसको क्या करते हैं, कट करके रिमूव कर देते हैं, या वहाँ से उसको जो भी मांस या टिश्यूज हैं उनको वहाँ से रिमूव कर देते। नेक्स्ट आपका करते हैं पाइलोरोमायोक्टोमी। पाइलोरोमायोक्टोमी में क्या करते हैं, उस एरिया को पाइलोरिस जो रीजन है उसको कट करके हम पूरा रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट में करें तो जो हार्ड मास फॉर्म हो रहा है उसको रिमूव करेंगे, सेकंड में हम करें उस रीजन को या उस एरिया को टोटली कट करके रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हम दो सर्जरी हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को इजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।